नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हम भारत के साथ चलने को तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के साथ दोस्ती को अहम बताते हुए कहा कि हम भारत के साथ चलने को तैयार हैं। राजधानी के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आज छात्रों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत महात्मा गांधी की धरती है और स्वामी विवेकानंद अमेरिका में हिंदुत्व और योग लेकर आए थे। आज अमेरिका में 30 लाख भारतीय हैं और हमें उन पर गर्व है। ओबामा ने नमस्ते कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में है जहाँ लोग तेजी से गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। हम बिना परमाणु हथियारों वाली दुनिया बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान शाहरुख खान, मिल्खा सिंह और बॉक्सर मेरी कॉम का भी जिक्र किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान की आशंका, हजारों उड़ानें रद्द। उत्तर पूर्व अमेरिका में सोमवार को जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। न्यूयॉर्क के मेयर ने चेताया है कि यह इतिहास में सबसे प्रचंड तूफान का रूप ले सकता है। अमेरिका के पूर्वी तट के राज्यों में अधिकारियों ने लोगों को घरों में रहने को कहा। कुछ इलाकों में 3 फुट तक बर्फ गिरने की आशंका जताई गई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने न्यूयॉर्क और बोस्टन सहित न्यूजर्सी से लेकर कनाडा की सीमा तक बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान में 9000 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 3000 से ज़्यादा मौलवियों सहित कम से कम 9000 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ शुरू की गई कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। यह गिरफ्तारियां आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए बने नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हैं, जो तालिबान द्वारा पिछले महीने एक स्कूल पर हमला करके 136 छात्रों की हत्या करने के बाद बनाया गया था।